हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नर्सिंग विद नेहा में। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था पीपीएच और एंड इट्स कॉजेज़। आज हम बात करेंगे पीपीएच के मैनेजमेंट के बारे में, जो तीन चार पार्ट्स में डिवाइड है: प्रिवेंटिव, मेडिकल, सर्जिकल एंड अदर मैनेजमेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि AMTSL अच्छे से परफॉर्म करने पर PPH को काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। इसमें कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन और फंडल मसाज आते हैं। यदि हम बात करें कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन की, तो बेबी डिलीवर होने के बाद हम 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन IM वुमेन को एडमिनिस्टर करते हैं। इससे प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से कॉन्ट्रैक्शन के कारण इजली सेपरेट हो जाता है। एंड एक्सटर्नली हम अपने लेफ्ट हैंड से यूट्रस को अपवर्ड एंड बैकवर्ड पुश करते हैं और राइट हैंड से कॉर्ड को डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं। अब बात करें हम फंडल मसाज की, तो हम अपने राइट हैंड के हथेली को कप शेप में बनाकर जेंटली मसाज करते हैं एंड कंप्रेस द फंडस टुवर्ड द लोअर यूटेराइन सेगमेंट एंड इंश्योर द ब्लैडर इज एम्प्टी, बिकॉज फुल ब्लैडर इनहिबिट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। इफ प्लेसेंटा इज नॉट सेपरेटेड आफ्टर 30 मिनट्स स्पॉन्टेनियसली, देन परफॉर्म मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। हाथ को कोन शेप में बनाकर अम्बिलिकल कॉर्ड को फॉलो करते हुए यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है और यूट्राइन वॉल से ही सटाकर स्लाइसिंग मूवमेंट के थ्रू प्लेसेंटा को सेपरेट किया जाता है। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा अंडर एनेस्थीसिया परफॉर्म किया जाता है। बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। पीपीएच में चॉइस ऑफ ड्रग है ऑक्सीटोसिन 10 to 40 यूनिट्स इन 1 लीटर ऑफ क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। After the delivery of baby, give oxytocin 5 to 10 units. Contraindication है not as a IV bolus. Oxytocin को हमेशा IV infusion में दिया जाता है। Second drug है methyl ergometrin 0.2 mg IV और IM. IV देने पर इसका action time होता है 90 seconds, जो कि काफ़ी rapid है। Contraindicated हार्ट डिसीज में, hypertension में, RH isoimmunization में रख नहीं दी जाती है। थर्ड है टेबलेट मीजोप्रोस्टोल PGE1, डोज है 600 to 1000 माइक्रोग्राम, रूट है पर रेक्टल। चूँकि वेजाइनली ब्लीडिंग होती है, इसलिए सुटेबल रूट है जो वो रेक्टम है। ओरल भी दी जाती है बट नो मोर देन 200 माइक्रोग्राम। फोर्थ ड्रग है इंजेक्शन कार्बोप्रोस्ट PGF2 अल्फा 250 माइक्रोग्राम IM ओनली। अगर इस ड्रग को हम IV देते हैं तो ये सडन हाइपरटेंशन कॉज करती है। यदि वुमेन में किसी तरह का क्लॉटिंग डिसऑर्डर है या PPH की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो गई है, तब क्या मैनेजमेंट होगा? फर्स्ट है रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7, 90 माइक्रोग्राम पर kg बॉडी वेट इन 3 to 5 मिनट IV इन्फ्यूज़न। हमारी बॉडी में कम से कम 1 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा फिब्रिनोजन होना चाहिए। क्रायो प्रेसिपिटेट में 10 times मोर फिब्रिनोजन होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के। या तो हम वुमेन को 10 units क्रायो प्रेसिपिटेट दे सकते हैं या तो 1 लीटर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। यूटेराइन टैम्पोनेट 2 types का होता है, टाइट इंट्रायूटराइन पैकिंग एंड बलून टैम्पोनेट। टाइट इंट्रायूटराइन पैकिंग के लिए हमें 5 meters लॉन्ग 8 cm वाइड गॉज की रिक्वायरमेंट होती है। यूटेराइन कैविटी में फिल करने से पहले इसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में सोक कर लिया जाता है। ब्लीडिंग कंट्रोल होने के बाद हम इसे 24 आवर्स के बाद रिमूव करते हैं। बलून टैम्पोनेट, बकरी बलून, कॉन्डम कैथेटर, फॉलिस कैथेटर, सैंगस्टेक एंड ब्लैक मोर ट्यूब यूज एज अ बलून टैम्पोनेट। बकरी बलून, द कॉलेप्स्ड बलून इज इंसर्टेड इन टू द यूट्रस एंड इन्फ्लेटेड विद 500 ml सलाइन टू फिल द यूटेराइन कैविटी टू टैम्पोनेट यूटेराइन ब्लीडिंग। कॉन्डम कैथेटर, अंडर एसेप्टिक प्रिकॉशंस अ स्टराइल रबर कैथेटर वॉज इंसर्टेड विद इन द कॉन्डम एंड टाइड नियर द माउथ ऑफ द कॉन्डम बाय अ सिल्क थ्रेड इन्फ्लेटेड विथ सलाइन। जब कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तब हम फॉलिस कैथेटर और सैंगस्टेक एंड ब्लैक मोर ट्यूब भी एज अ बलून टैम्पोनेट यूज़ करते हैं और ये कारगर भी साबित हुए हैं। नाउ मूव इन टू द सर्जिकल मैथड।
सर्जिकल मेथड में सबसे पहले है कंप्रेशन सूचर्स। दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टोफर बी लिंच और हेमन सूचर्स। इसके बाद यूट्रस में ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज को लाइगेट करके वहाँ पे ब्लड फ्लो को मिनिमाइज किया जाता है। इस क्रम में है यूटराइन आर्टरी लाइगेशन, ओवेरियन आर्टरी लाइगेशन, इंटरनल इलियक आर्टरी लाइगेशन। इंटरनल इलियक आर्टरी पेल्विक रीजन में ब्लड सप्लाई करने वाली मेजर आर्टरी है। इंटरनल इलियक आर्टरी लाइगेशन में इसे स्नगली लाइगेट करके ब्लड फ्लो को 49% तक और पल्स प्रेशर को 85% तक रिड्यूस किया जाता है। लास्ट ऑप्शन इज हिस्टरेक्टॉमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। अदर मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच इज इंक्लूड अ नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट एंड कंप्रेशन ऑफ द एब्डोमिनल अरोटा। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। फर्दर आने वाली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।